तो ये सवाल आया है, नाम नहीं लूँगा, एम नाम बोल देते हैं इनका, और मैं पहले पढ़ देता हूँ सवाल इनका, फिर जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत दुखी हो चुकी हूँ, 22 साल की उम्र है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी 3 साल से कर रही हूँ, अब पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, बस बुक्स खोल के बैठी रहती हूँ, कुछ भी दिमाग में नहीं जाता, दिन भर रोना आता रहता है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, कोई कुछ कहता है तो गुस्सा आता है, मम्मी पापा से भी बात करने का मन नहीं करता, रात में नींद नहीं आती, दिन भर सिर भारी रहता है, पढ़ाई ना हो रही है, मुझसे ना छूट रही है, घर वाले कहते हैं वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो, पर मेरा अपना अपने कमरे से बाहर आने का भी मन नहीं करता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, आप ही हेल्प कर दीजिए, नाम मत लीजिएगा। ठीक है, तो नाम नहीं लिया मैंने आपका, वैसे भी हम नाम नहीं लेते हैं लोगों का। 22 साल की उम्र है, फीमेल पेशेंट हैं ये, और पूछ रही हैं क्या किया जाए। देखिए, पहली बात तो जो इनके मैसेज से हमें समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि शायद पिछले 3 साल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं ये, और घर में ही रहती हैं और अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब देखिए, इनका जो मैसेज है इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्होंने बोला कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है चीज़ों में, बस बुक खोल के बैठे रहती हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं जाता, मतलब कंसंट्रेशन ख़राब हो चुकी है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, लिखा उन्होंने, गुस्सा आता है, और मम्मी पापा से भी बात करने का मन नहीं करता, तो शायद थोड़ा इरिटेबिलिटी भी हो गई है, मूड भी ख़राब हो गया है, नींद नहीं आती, स्लीप डिस्टर्बेंस है, दिन भर सिर भारी रहता है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बहुत ध्यान देखने वाली चीज़ होती है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, मतलब थोड़ा शायद डेथ विशेष या सुसाइडल थॉट्स भी इनको आ रहे हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको ये टाइम में कितने समय से चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये ज़रूर बताया कि 3 साल से तैयारी कर रही हैं और हेल्प कर दीजिए। अब देखिए, जो लक्षण इनके आ रहे हैं ये सारे आमतौर पे हम लोग डिप्रेशन में देखते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब लाइफ के डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस आते हैं, मुश्किल कंडीशंस आती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, एक ही एग्ज़ाम को लंबे समय तक पढ़ रहा है, तो आमतौर पे होता क्या है कि आपके जो कलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो सब आगे निकल चुके होते हैं, या तो उनका एग्ज़ाम हो चुका होता है या वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं, और आप एक चीज़ में अटक जाते हैं, एक चीज़ में रुक जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर बन जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आप कटते चले जाते हैं लोगों से, कई बार लोग भी आके मजाक बनाते हैं या ताना मार देते हैं कि क्या हुआ, अभी तक हुआ नहीं एग्ज़ाम तुम्हारा पूरा, या फिर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो लोग आके ताना मार देते हैं, और इंजीनियर साहब, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो लोग आके ताना मार देते हैं, और डॉक्टर साहब, उनको पता होता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कई बार सुनाने के लिए बोल देते हैं, तो आपका स्ट्रेस बढ़ता आता है। अब देखिए, होता क्या है कि हमारा ना ब्रेन की कैपेबिलिटी होती है, एक लिमिट तक हमारा दिमाग उस स्ट्रेस को झेल जाता है, अडेप्ट कर जाता है, लेकिन जब वो एक लिमिट क्रॉस कर जाती है तो फिर वहाँ पे डिप्रेशन के लक्षण आने शुरू होते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है, ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, डेथ विशेज आ रही हैं, कंसंट्रेशन ख़राब हो गई है, बात करने का मन नहीं करता। अब देखिए, अगर तो सिम्टम माइल्ड रहें, माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम रहें, तो एक्सरसाइज करना सही में हेल्प करता है, जैसे इनके पेरेंट्स ने बोला तो सही बोला, माइल्ड सिम्टम्स में देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करें रेगुलरली, आप एक रेगुलर लाइफस्टाइल रखें, आप योगा करें, ये सारी चीज़ें हेल्प कर जाती हैं कई बार डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में। कई बार ये बोलते हैं हम लोग कि अगर सिम्टम थोड़े बहुत हुए हैं तो बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, डिस्कस करिए, प्रॉब्लम डिस्कस करिए, कई बार उससे भी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जहाँ पे क्लिनिकल डिप्रेशन डेवलप हो गया, जहाँ पे एक प्रॉपर डिप्रेशन की बीमारी डेवलप हो गई, वहाँ पे शायद ये चीज़ उतना हेल्प नहीं कर पाए। तो इनके केस में इनकी जो राइटअप है इसके बेसिस में मुझे लग रहा है कि इनको क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया है, क्योंकि नींद की दिक्कत प्राइमरीली इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे इसमें, और सुसाइडल थॉट्स भी दिख रहे हैं कि ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अब मिस एम, बेटा आपको मैं हेल्प तो सीधे ऐसे नहीं कर सकता, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, हो सकता है कि आप जैसे चिड़चिड़ापन बता रही हैं या गुस्सा हो जाते हैं जैसे बता रही हैं, तो शायद आपका और आपके पेरेंट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन गैप हो गया होगा। पेरेंट्स से बात करिए, पेरेंट्स को बताइए कि ये समस्या हो रही है, और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए कि इस दिक्कत के लिए मुझे अब किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब आपने ये तो नहीं बताया आप किस शहर से बात कर रही हैं या कहाँ से बात कर रही हैं, लेकिन आप जिस भी शहर में रहती हैं या जो भी पास में बड़ा शहर है उसमें किसी भी हॉस्पिटल में जाने का प्रयास करिए और साइकेट्रिस्ट से मिलने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके जो लक्षण दिख रहे हैं वो डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं।
और अगर डिप्रेशन के लक्षण सिग्निफिकेंट आ जाते हैं तो सिर्फ दो ही चीज़ें काम करने वाली हैं, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयों का इलाज, और दूसरा काउंसलिंग का इलाज, इसको थेरेपी कहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप जाके पास से किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें या फिर आप ऑनलाइन किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए और कोशिश करिए आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको काउंसलिंग वाला ट्रीटमेंट ही फ़ायदा कर सकता है। काउंसलिंग वाले ट्रीटमेंट में देखिए, जो जो मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं उसका एक बहुत मेजर रोल होता है आपके बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। अगर मन में नेगेटिव, मान लीजिए आप सुबह सो के उठे और मन में ख्याल आ गया कि क्या रखा है ऐसी ज़िंदगी में, या फिर मन में ख्याल आ गया कि मेरा एग्ज़ाम कभी भी पास नहीं होगा, तो जो नेगेटिव सोच है वो आपका पढ़ाई करने के मन को भी ख़त्म कर देती है, आपको चिड़चिड़ा भी बना देती है, आपका दिन सिर में भारीपन भी ले आती है, आपका मन भी ख़राब कर देती है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव विचार हैं जिसमें इंसान फंस जाता है, उससे निकलने के लिए आपको काउंसलिंग सेशंस की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कई बार हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे या घर वाले नहीं मानेंगे। देखिए, डॉक्टर के पास ना जाना एक समझदारी बड़ा भरा डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इसी प्रकार से रहेंगे तो शायद अभी 3 साल लगे हैं, 2-3 साल और निकल जाएंगे आपकी लाइफ के, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप आज जिस कंडीशन में उससे भी ज़रा ज़्यादा ख़राब कंडीशन में पहुँच जाएंगे। तो थोड़ी हिम्मत दिखाइए, थोड़ी कोशिश करिए, पेरेंट्स से सबसे पहले बात करिए। और देखिए, पेरेंट्स आमतौर पर हेल्प करते हैं, वो भी कई बार डरते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के नाम पे कि डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, सबसे थोड़ा घबराते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो आप उनसे बताएंगी तो शायद वो आपकी हेल्प करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, सेशंस लीजिए, या फिर दोनों नहीं ले सकती तो किसी एक से शुरुआत करिए। सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से शुरुआत करिए, अगर लग रहा है मेडिसिन में आने में भी कंफर्टेबल फील नहीं करिए तो सिर्फ थेरेपी से शुरुआत करिए। अगर आप ऑनलाइन थेरेपी किसी थेरेपी से ले सकते हैं तो वो करिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमने भी कोर्स बनाया था, CBT का कोर्स, डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए, जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं या थेरेपी नहीं ले पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक हमने डिप्रेशन का कोर्स बनाया था। अगर और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको लीजिए, उससे भी बहुत लोगों को मदद मिली है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ करिए, सबसे बेस्ट रहेगा किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें, अगर नहीं हो पा रहा तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लें, थेरेपी लें, अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा तो कम से कम कोर्स करें। वेट ना करें, वेट करेंगे तो सिम्टम्स बढ़ेंगे, परेशानी बढ़ेगी। और देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि ठीक होने की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, अपने आप को ठीक करने की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, वो आप ही के ऊपर है। आप इतना परेशान हो रही हैं, इतना स्ट्रगल कर रही हैं, मन में काफ़ी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो अपने आप को ठीक करके एक नॉर्मल लाइफ में लेके आना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको स्टेप लेना ही चाहिए। आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो मैक्सिमम डिप्रेशन की वजह से आ रही हैं, और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका दवाइयों से और काउंसलिंग से इलाज हो सकता है, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है तो आप डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से सीख सकते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में काउंसलिंग कैसे की जाती है, और उन टेक्निक्स को यूज करके डिप्रेशन से बाहर निकलने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए कार्ड को क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कर डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी के कोर्स में एनरोल करें। तो एम, आपको मेरा स्ट्रॉन्ग सलाह है कि सिर्फ मेल ना करें, एक स्टेप लें, कोई भी स्टेप लें, लेकिन एक स्टेप लें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। धन्यवाद।